वेलकम बैक टू चैनल शोना की दुनिया व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं आपके लिए फिर से एक नया मस्ती भरा माहौल लेकर के एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम लोग हैं कानपुर के मोती झील पार्क में। ये पार्क बड़ा ही फेमस है फ्रेंड्स। यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, इवेंट्स वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सिर्फ पार्क ही नहीं है, काफ़ी इंजॉयबल पार्क है। यहाँ पर काफ़ी कुछ बना हुआ है जो मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए घूमते हैं हम लोग मोती झील पार्क और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एंट्री गेट है मोती झील पार्क का, और इस तरीके से यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, और बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं यहाँ पर, रेस्ट भी करते हैं और जो है एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते हैं लोग सुबह के टाइम और शाम के टाइम वॉकिंग करते हैं यहाँ पर। ये टॉय ट्रेन है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बोटिंग के लिए भी स्वैंस बोट बनी हुई है यहाँ पर, तो के लिए कार और जीप भी मिल जाएगी। देख सकते हैं जस्ट 50 रुपीज़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये फूड कोर्ट है, खाने पीने का एरिया है जहाँ पर लोग डोसा, चाउमीन, पाव भाजी इसी तरीके के आइटम्स लेके एंजॉय करते हैं। डोसा खाने के लिए, क्योंकि रुशान को बहुत ही प्यास लगी हुई थी, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, तो मैंने उन्हें फ्रूटी दिला दी है और अपने लिए डोसा ऑर्डर किया है। उसके बाद हम चलेंगे और भी जगह पे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये डोसा है, मसाला डोसा सांभर और नारियल की चटनी के साथ उन्होंने सर्व किया है। तो देख सकते हैं रुशान अगेन बिजी हैं वो मोबाइल में। ये देखिए ये बुल राइड है, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ना रुशान जाने की हिम्मत कर सकते हो ना हम। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं शाम हो रही है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर भी लग रहा है, पब्लिक बहुत सारी आई हुई है यहाँ पर। अच्छा ये ड्रीमलैंड फेयर लगा हुआ है, गर्मी की छुट्टियों के वजह से ये लगाया गया है 2 महीने के लिए, और हम लोग भी घूमने के लिए गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग करी है, वीडियो बनाया है, जल्दी ही आने वाला है चैनल पर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, रुशान पोज बनाए हुए हैं फ़ोटो के लिए और मैंने इनकी फ़ोटो ऑलरेडी क्लिक कर ली है। स्लोली 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 देख सकते हैं फ्रेंड्स मोती झील
एक ये कृत्रिम झील बनी हुई, यानी आर्टिफिशियल लेक है ये, और यहाँ पर लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, शाम के टाइम इंजॉय करते हैं, देख सकते हैं। पहले तो ये झील ही थी और लोग बोटिंग करते थे, अब तो यहाँ पे कई सारे सोर्सेस हो गए हैं, कई तरह के स्विंग्स लग गए हैं यहाँ पर। ये देखिए ड्रीमलैंड फेयर भी आया हुआ है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन्स वगैरह भी अवेलेबल है, बहुत सारे स्विंग्स भी हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल जिम भी बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है झील का। यही आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि झील जिसे मोती झील बोलते हैं। देख सकते हैं ये मोती झील है, आर्टिफिशियल लेक है ये, यहाँ पर बोटिंग करते हैं, शाम को सब लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब तो बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं, लाइक यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है, स्विंग्स वगैरह भी अवेलेबल है, लोग यहाँ पर ड्रेस करने आते हैं, घूमने आते हैं और खाने पीने के लिए भी आते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरटेनिंग प्लेस है ये, हम लोगों का कानपुर का स्पेशल है ये। तो फ्रेंड्स आप ही आइएगा यहाँ पर, इंजॉय कीजिएगा, देखिएगा आपको मोती झील कैसा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गर्ल्स मेरे बिहाइंड खड़ी हुई हैं, और इन लोगों का भी चैनल है GM किचन एंड व्लॉग्स करके, तो इन लोगों ने हमें अप्रोच किया और पूछा कि क्या आपका भी व्लॉग है, तो मैंने बोला व्लॉगिंग भी है और कुकिंग चैनल भी है हमारा। तो उन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को और हमने भी उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, हालाँकि उन लोगों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट ऑल द बेस्ट टू देम कि उन लोगों ने स्टार्ट किया और हमारे कानपुर का नाम बढ़े और इसी तरीके से हमारे कानपुर में बहुत सारे यूट्यूबर्स हो जाए। हालांकि मैंने देखा है लखनऊ में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लखनऊ दिल्ली और बड़े शहरों में, लेकिन कानपुर भी हमारा महानगर है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ लेडीज़ वगैरह तो लिमिटेड ही है यहाँ पर। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो आई होप कि और भी लोग बढ़ें और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग करें और हमारा कानपुर भी हाईटेक बने। तो मैंने इनको भी विश किया है कि आप भी हमारे चैनल को जो है प्रमोट करिएगा और हम भी आपके चैनल को प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप पार्क से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे बच्चों के टॉयज की, चाट बताशे वगैरह की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बलून्स वगैरह बच्चों के लिए, नारियल पानी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स बाहर भी मिल जाएंगे, और आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, बताशे, चाट बताशे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए गोलगप्पे मिल जाएंगे, पानी पूरी आपको यहाँ पर, और ये बहुत सारे आपको यहाँ पर फूड आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पर, चाट बताशे, गोलगप्पे, नारियल पानी, आइसक्रीम सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फ्रेंड्स देख सकते हैं गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक की जगह यहाँ पर नींबू की शिकंजी बोली है, तो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कानपुर का मोती झील। आपको फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शोना की दुनिया। बाय बाय फ्रेंड्स।